Hello, everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM. And here I am back with another video. This video is about the GST expected MCQs, and this will be helpful for the NETSET students, the TYBCOM students. बैफ बी एम एस और सभी के लिए ये सेशन यूजफुल होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज का जो वीडियो जिससे हम काफ़ी सारे नए एम सी क्यूज को डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे आपको सारे एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले जो वीडियोज़ है उसके उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट सेट इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट तो एवरी डे इवनिंग एट ओ क्लॉक वी आर है लाइव सेशन स्पेशल क्लासेस ऑन दी अनअकेडमी प्लेटफॉर्म तो ये पूरा मंथ में आपको लाइव सेशन फ्री सेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत सारे बच्चे उसका ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है अगर आपसे कोड पूछे तो राहुल मोहिले मेरा कोड डाले ताकि आपको स्पेशल क्लासेस फ्री में मिलेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो दिस इज माई प्रोफाइल यू कैन फॉलो मी ऑन अन एकेडमी

IGST, which is called as Integrated Goods and Services Tax. Second question hai, IGST is levied on interstate supplies except supply of Dash, Petroleum Crude, Motor Spirit. नेचुरल गैस या एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सिंपल क्वेश्चन है आई थिंक आपको इसका ऑलरेडी आंसर पता है तो आईजीएसटी जो होता है इज लेविड ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई इंटर इंटर का मतलब क्या होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर गुड्स को हमने या सर्विसेज को सप्लाई किया होगा तो तो किस पे एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ बोल रहा है किस पे नहीं लगता बेसिकली जी एस टी इज़ नॉट कवर्ड अंडर इट एंड दैट इज़ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ठीक है अलग से टाइप के टैक्सेस इस पर भरने पड़ते हैं नेक्स्ट आपको फुल फॉर्म पूछा है आई जी एस टी रेफर्स टू इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटरनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या इंटरनल गुड्स एंड सेल्स टैक्स तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन लेकिन हमेशा सिंपल चीजों में ही गलती होती है तो ध्यान रखना आई जी एस टी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेक्स्ट इज आइडिया ऑफ द जीएसटी एक्चुअली जीएसटी है यहां पे जीएसआर हो गया तो ध्यान से आइडिया ऑफ जीएसटी वाज मूटेड बाय विच टास्क फोर्स इन 2004 तो इनमें से कौन से टास्क फोर्स के बेसिस पे जीएसटी लाया गया शर्मा टास्क फोर्स केलकर टास्क फोर्स त्रिवेदी टास्क फोर्स या गुप्ता टास्क फोर्स तो इसका राइट right आंसर है केलकर कमेटी या केलकर टास्क फोर्स जो है Uh, 2004 में उसके बेसिस पे जीएसटी लाया गया ठीक है दिस इज जीएसटी नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी तो जीएसटी जब लाया गया जीएसटी लाया फर्स्ट जुलाई 2017 में तो व्हेन द जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करने पड़े कुछ चेंजेस लाने पड़े जो changes ये जो चेंजेस लाए गए ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से नंबर का अमेंडमेंट था हंड्रेड अमेंडमेंट एक सौ एक वा अमेंडमेंट एक सौ दो या एक सौ तो पांच ध्यान रखना जीएसटी जब लाया गया तब सबसे इंपॉर्टेंट एक सौ एक वा अमेंडमेंट हुआ तब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया नेक्स्ट इज जीएसटी इज लेविड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस सप्लाई ऑफ द गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इट्स वेरी सिंपल जीएसटी इज ऑलवेज लेव ऑन गुड्स एंड सर्विसेज तो इतना तो आपको पता है मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पे जी लेवी होता है लेकिन किस पे लेवी होता है हमेशा इट इज लेव ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है तो किस पे अप्लाई होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी रेट्स ऑफ जी आर एप्लीकेबल एज पर द एस एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन फोर फाइव सिक्स या सेवन देखो जी के लिए बहुत सारे रेट है जीरो uh, परसेंट हमारा रेट होता है फिर हमारा जो सेकेंड रेट है दैट इज़ फाइव परसेंट ठीक है फाइव परसेंट के बाद हमारा नेक्स्ट रेट होता है ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट के बाद हमारा नेक्स्ट रेट होता है एटीन परसेंट एटीन परसेंट के बाद हमारा लास्ट फाइनल रेट होता है विच इज़ कॉल्ड एज द हाइस्ट रेट एंड दैट इज़ ट्वेंटी सो वी हैव जीरो परसेंट फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं जीरो परसेंट को रेट नहीं गिनते हैं बट जीरो परसेंट इज ऑल्सो अ रेट इसमें कुछ कैटेगरीज के गुड्स को डाला गया है जिसपे जीएसटी नील होता है तो हाउ मेनी रेट्स आर एप्लीकेबल देखो वन टू थ्री फोर फाइव तो राइट right आंसर है इसका फाइ फाई इज़ द राइट आंसर हाउ मेनी रेट्स ऑफ जी एस टी आर एप्लीकेबल और अगर आपको पूछे हाइएस्ट जी एस टी कितना चार्ज कर सकते हैं तो हाइएस्ट जी एस टी ट्वेंटी एट परसेंट चार्ज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट इंडिया इज़ फॉलोइंग विच जी एस टी मॉडल सिंगल जी एस टी मॉडल ड्यूएल जी एस टी मॉडल ट्रिपल जी एस टी मॉडल या नन ऑफ द अबाव तो सबसे सिंपल इंडिया जो है वो फॉलो कर रहा है ड्यूएल जी एस टी मॉडल मॉडल देखो ड्यूएल जी एस टी मॉडल में क्या होता है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है सेंट्रल और स्टेट दोनों को राइट right है कि वो लोगों से टैक्स को कलेक्ट कर सके इसलिए देखो जब हम जी एस टी का कैलकुलेशन करते हैं फॉर एग्जाम्पल जीएसटी होगा तो एटीन परसेंट में से नाइन परसेंट जो शेयर होता है, है, है। इसीलिए कैलकुलेट कर लेते हैं तो दैट इज वाई इंडिया इज फॉलोइंग विध जीएसटी मॉडल इंडिया इज फॉलोइंग द ड्यूएल जीएसटी मॉडल कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है ड्यूएल जीएसटी मॉडल फॉलो कर रहा है नेक्स्ट इज रॉबर्ट आई टी नेटवर्क एस्टेब्लिश फॉर जीएसटी इज तो जीएसटी के लिए जीएसटी में बेसिकली बहुत सारी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होने के लिए सब कुछ ऑनलाइन होने के लिए सभी लोग रिटर्न फाइल ऑनलाइन करेंगे तो सभी चीज़ों को ये सारी चीज़ें ऑनलाइन करने के लिए हमें एक स्पेसिफ़िकली एक अच्छा नेटवर्क हमारे पास होना चाहिए और बैकअप होना चाहिए आई टीम का सॉफ्टवेयर्स का बेसिकली तो उसके लिए क्या इस्टेब्लिश किया गया जी एस टी एम जी एस टी एन जी एस टी एल जी तो उसके लिए क्या एस्टैब्लिश किया गया उसके लिए एस्टैब्लिश किया गया जी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ठीक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क एस्टैब्लिश किया गया है विच इज कॉल्ड एज द रॉबर्ट आई टी नेटवर्क नेक्स्ट इज इफ क्वेश्चन नंबर टेन इफ गुड्स फ्रॉम दमन आर सप्लाइड इन दमन देन विच टाइप ऑफ टैक्स विल बी एप्लीकेबल तो मैंने आपको ऑलरेडी इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है वी हैव टू टाइप्स ऑफ नंबर वन इज कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई आई एन टी आर ए इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट अगर हम सेम स्टेट में सप्लाई करते हैं तो कौन से टाइप का टैक्स लगता है सी जी एस टी और एस जी एस टी ठीक है और अगर हम दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं एक स्टेट से तो कौन से टाइप का टैक्स लगता है आई जी एस टी लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो वी हैव हाँ दमन ओवर हियर दमन इज अ यूनियन टेरिटरी एंड सिंस इट इज अ यूनियन टेरिटरी तो यहाँ पे आपको कौन से टाइप का टैक्स लगेगा सी जी एस टी और एस जी एस टी नहीं लगेगा सी जी एस टी और यूटी जीएसटी लगेगा यूटी जी एस टी इज नथिंग बट यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो यहाँ पे आपको कौन सा टाइप का टैक्स भरना पड़ेगा सी भी भरना पड़ेगा और यूटी जीएसटी मतलब हाफ विल बी सेंट्रल का शेयर हाफ विल बी यूनियन टेरिटरी का शेयर दैट इज द पॉइंट वी हैव डिस्कस नाउ द टेन क्वेश्चन ऑफ जीएसटी होप यू लाइक दिस सेशंस तो इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे ताकि आपके जितने भी चैप्टर्स है उससे सभी चीजें आपकी रिवाइज होते रहे और उसके बेसिस पे आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट मिले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है लास्ट मिनट रिव्यजन भी दारे सेम PDF, सारे पी सारे डिटेल्स में वहां पर शेयर करते रहता हूं ताकि आपको उसका हंड्रेड बेनिफिट आपके एग्जाम के लिए मिले थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर